नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 31 जनवरी। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT दिल्ली ने निकाली रिक्तियां। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT दिल्ली ने सीनियर प्रोग्रामर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, प्रोग्रामर असिस्टेंट, नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क स्पेशलिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर असिस्टेंट डेवलपर, आईटी असिस्टेंट के कुल मिलाकर 125 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास बीई या बीटेक या एमई या एमटेक या एमसीए या बीएससी और प्रासंगिक कार्य अनुभव का होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 15 फरवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.nielit.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार में शिक्षक नियोजन का शेड्यूल अगले हफ्ते से होगा जारी। सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। शिक्षा विभाग अब जल्द ही 90,700 प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल अगले हफ्ते जारी करने वाला है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने मंथन शुरू कर दिया है, जिसके बाद पंचायत चुनाव से पहले नियोजन प्रक्रिया को पूरा करने का काम किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, काउंसलिंग ब्लॉक और जिला स्तर पर किया जाएगा। इतना ही नहीं, यह काउंसलिंग पूरी तरह से मैनुअल भी होने वाला है। खबरों की माने तो पंचायत शिक्षकों की काउंसलिंग ब्लॉक स्तर पर होगी। काउंसलिंग के दौरान ही दस्तावेजों का सत्यापन भी करवाया जाएगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वालों को मिलेगी राहत। बिजली उपभोक्ता के लिए खुशखबरी। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम जोर शोर से किया जा रहा है। वहीं जानकारों की माने तो इस मीटर के लग जाने के बाद आम नागरिकों को काफी सहूलियत होने वाली है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग को पेश किए गए प्रस्ताव के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं का बिजली बिल पहले के मुकाबले कम आने वाला है। उन्हें बिजली बिल में 3% की रियायत मिलने वाली है। इसको लेकर बिजली कंपनी ने 2021-22 का टैरिफ तय करने के लिए आवेदन में यह प्रस्ताव पेश किया है। इसके साथ ही आयोग के सामने पहले से सामान्य मीटरों के लिए जारी अग्रिम भुगतान के लिए मिलने वाले 6% सालाना ब्याज को घटाकर 4% या बैंक दर के अनुसार जो भी कम हो उसे लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। बिहार के इन 4 इंटरसिटी ट्रेनों के बढ़ाए गए फेरे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बिहार के 4 इंटरसिटी ट्रेनों के फेरों को बढ़ाए जाने की बात कही गई है, जिसके परिणाम स्वरूप समस्तीपुर रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों से रवाना होने वाली 4 जोड़ी ट्रेनों के फेरों को बढ़ा दिया गया है। इन ट्रेनों को अब रेलवे बोर्ड ने अगले आदेश तक सभी रूटों पर चलाने को कहा है। इस बाबत समस्तीपुर रेल मंडल के सीनियर DSM सरस्वती चंद्र ने अपना बयान जारी करते हुए यह बताया है कि रेलवे बोर्ड की तरफ से फेरे बढ़ाने की स्वीकृति मिल गई है, जिसके बाद अब इन रूटों पर ट्रेनों को पहले से निर्धारित समय और ठहराव के अनुसार ही परिचालित किया जाएगा। फिलहाल अगले आदेश तक स्पेशल ट्रेनों के रूप में इन इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन किया जा सकेगा। अगले साल से इन जिलों से पटना आना होगा आसान। अगले साल से अब पटना सफर करना और भी ज्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि अगले साल ही गांधी सेतु के 2 लेन सहित 3 सड़कों की सौगात बिहारवासियों को मिलने वाली है। कोइलवर बक्सर 4 लेन सड़क, आरा मोहिनिया 4 लेन सहित महात्मा गांधी सेतु के बचे हुए 2 लेन का निर्माण कार्य 2022 तक पूरा होने की संभावना है। इसके साथ ही पटना ढोबी 4 लेन सड़क भी 2023 तक पूरी हो सकती है। इसके साथ ही आरा मोहिनिया 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं गांधी सेतु के बचे दोनों लेन पर मार्च 2022 तक आवागमन शुरू होने की संभावना है। इसके साथ ही पटना डोभी के बीच 5 शहरों में बाईपास रोड बनाया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग लगातार पटना हाईकोर्ट द्वारा भी की जा रही है। बिहार के ग्रामीणों को बजट से है काफी उम्मीदें। आगामी 1 फरवरी को बजट पेश किया जाना है। वहीं बजट पेश होने से पहले ग्रामीण युवाओं की नजर अब सीतारमन की तरफ से पेश किए जाने वाले बजट पर है। हालांकि इस बार पेश होने वाले बजट को लेकर विपक्ष भी काफी उत्सुक नजर आ रहा है। वहीं बिहार के युवा भी अब बेसब्री से 1 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं। बिहार के युवाओं का कहना है कि इस बजट में युवाओं के लिए सरकार को तरजीह देने की जरूरत है। शिक्षा और रोजगार एक अहम सवाल है। कई शिक्षित बेरोजगार आज भी सड़कों पर घूम रहे हैं। सरकार को चाहिए कि जब भी बजट पेश हो शिक्षा और रोजगार में बजट का ज्यादा प्रतिशत खर्च किया जाए। इतना ही नहीं, युवाओं से सरकार से कोठरी आयोग की सिफारिश के तहत रोजगार मुहैया करवाने की बात भी कही गई है। सेवानिवृत्ति SO को संविदा पर बहाल करेगी सरकार। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि रिटायर्ड प्रशाखा पदाधिकारियों को संविदा पर नौकरी दी जाएगी। सभी विभागों और सभी स्तर के कार्यालयों में SO के खाली पदों को भरने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके लिए एक पत्र सभी विभागों के प्रमुख DGP और प्रमंडलीय आयुक्त को लिखा गया है, जिसमें खाली पड़े प्रशाखा पदाधिकारियों की भी लिस्ट सौंपने की बात कही गई है। लिस्ट मिलने के बाद सरकार बहाली की प्रक्रिया शुरू करेगी। चयन के लिए वेबसाइट और समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाला जाएगा, जिसके बाद आवेदनों के आधार पर ही बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। आपको बता दें, राज्य में सिर्फ सचिवालय स्तर पर ही 1000 पद SO के खाली हैं।
जिलों के महत्व पर कला संस्कृति विभाग कराएगा महोत्सव। राज्य के कला संस्कृति और युवा विभाग अब हर साल विभिन्न जिलों में उस क्षेत्र के महत्व पर महोत्सव कराएंगे। इस महोत्सव को बड़े स्तर पर करवाया जाएगा। इन महोत्सव में कला संस्कृति से जुड़ी प्रदर्शनियां भी लगेंगी, जिससे लोगों को अपने जिला के बारे में नई बातों को जानने का मौका मिलेगा। जिन जिलों में हर साल ये कार्यक्रम नहीं होते हैं, उन्हें भी जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसे लेकर विभाग द्वारा जिले में होने वाले महोत्सव की लिस्ट सभी जिलों के डीएम से मांगी गई है। इसको लेकर ही कला संस्कृति और युवा विभाग ने जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी के रिक्त पड़े 38 पदों पर भी बहाली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बिहार के 28 जिलों में 31 जनवरी तक कोल्ड डे अलर्ट। राजधानी पटना सहित बिहार के 28 जिलों में मौसम विभाग ने अगले दो दिन ठंड की स्थिति गंभीर होने की बात कही है। विभाग के अनुसार आने वाले 10 फरवरी तक मौसम सर्द बना रहेगा। घने कोहरे के साथ ही तेज हवाएं बहने से कपकपी का एहसास होगा। विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी दिशा से 14 से 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाली ठंडी हवाओं से मौसम सर्द हो गया है। साथ ही बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी की वजह से गया, सासाराम, नवादा सहित बिहार के कई हिस्सों में हल्की बारिश भी देखने को मिली है। इसी कारण मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। अब पर्यटन स्थलों को कराया जाएगा भिक्षावृत्ति से मुक्त। पर्यटन स्थल पर अब भिखारियों की भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। समाज कल्याण विभाग ने राज्य के सभी पर्यटन स्थलों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत इन भिक्षुकों को रोजगार से जोड़ने में मदद की जाएगी। योजना से जुड़ने के बाद सभी लोगों पर विभाग द्वारा बनाई गई निगरानी टीम लगातार निगरानी भी रखेगी। निगरानी टीम में खुद उसी क्षेत्र के भिखारी भी होंगे। इन भिखारियों को कैलाश विकास के तहत प्रशिक्षित भी किया जाएगा। पहले फेज में नालंदा, बोधगया, राजगीर के पर्यटन स्थलों को भिखारियों से मुक्त कराया जाएगा। इसके लिए मार्च तक यहां के सभी भिखारियों का निबंधन कराया जाएगा और आधार से जोड़ा जाएगा। पंचायत चुनाव 2021 के लिए हुए सिंबल जारी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए अलग अलग पदों के लिए सिंबल तय हो चुके हैं। इनमें से 5 सिंबल वार्ड सदस्य पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। पंचायत समिति के सदस्यों के लिए कुल 10 सिंबल निर्धारित है। ग्राम कचहरी के सरपंच पद के प्रत्याशियों के लिए 19 सिंबल तय किए गए हैं, तो वहीं सबसे अधिक सिंबल का निर्धारण मुखिया पद के लिए किया गया है। मुखिया पद के लिए ब्लैक बोर्ड, ईंट, पुल, बैगन, ब्रश, कैमरा, चिमनी, कार, टेलीविजन जैसे कुल 29 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। वहीं वार्ड सदस्य पद पर भारी संख्या में प्रत्याशियों का चुनाव लड़ते हुए देख सिंबल की संख्या बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। पटना जंक्शन पर मिल रही है यात्रियों को अब और ज्यादा सुविधा। पटना जंक्शन पर यात्रियों का अब यात्रा करना और भी सुगम हो गया है। अब तक पटना जंक्शन से सफर करने वाले यात्रियों को ट्रेनों के कोच में जगह नहीं दिखाने वाले कोच गाइडेंस सिस्टम डिस्प्ले बोर्ड के काम नहीं करने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हालांकि अब ऐसा नहीं है। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए अब और इस पर संज्ञान लेते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की शिकायत पर पटना जंक्शन डायरेक्टर नीलेश कुमार ने पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर गाइडेंस सिस्टम डिस्प्ले को चेंज करवा दिया है, जिसके बाद अब यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। यात्रियों का इंतजार 10 महीने बाद हुआ खत्म। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 10 महीने बाद 5 ट्रेनों का परिचालन करने का निर्णय लिया है। कोरोना के बाद अब समय के साथ बंद पड़ी ट्रेनों के परिचालन को अनुमति दी जा रही है। इधर सीनियर डीसीएम पवन कुमार के मुताबिक भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस और जनसेवा एक्सप्रेस सहित 5 ट्रेनों की सेवा 2 फरवरी से शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। इन ट्रेनों में मालदा पटना, मालदा इंटरसिटी एक्सप्रेस, हावड़ा गया, हावड़ा एक्सप्रेस, भागलपुर एलटीटी एक्सप्रेस भी शामिल है। आपको बता दें, जिन ट्रेनों की सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है, उनके लिए भागलपुर रेलखंड के यात्री पिछले 3 महीने से इंतजार कर रहे थे। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल ने किया उन्हें याद। बीते दिन देशभर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं उनके पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें याद किया है, जिसके तहत बीते दिन उनके पुण्यतिथि के मौके पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजधानी पटना स्थित गांधी घाट पहुंचे थे, जहां आयोजित राजकीय समारोह में बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं बीते दिन दिल्ली स्थित राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने भी बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। बीपी शुगर से पीड़ित जवानों को अब ड्यूटी से मिलेगी राहत। बिहार के अब बीपी शुगर पीड़ित जवानों को ड्यूटी से राहत मिलने वाली है, जिसके तहत अब ऐसे जवानों को सड़क पर तैनाती नहीं की जाएगी। इसकी तैयारी शुरू कर ली गई है। तैयारी पूरी होते ही उनको राहत मिल जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के सभी जवान और अधिकारियों का जल्द ही स्वास्थ्य जांच करवाया जाएगा। जांच रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद यह तय किया गया है कि वो ट्रैफिक व्यवस्था कंट्रोल करने में फिट है या नहीं है। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर बिहार के नए ट्रैफिक आईजी एमआर नायक ने
पटना की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक एसपी, 3 सिटी एसपी, डीएसपी के साथ बैठक की थी। इस बैठक में ट्रैफिक आईजी के जवानों की नियमित स्वास्थ्य जांच कराने का आदेश भी जारी किया गया है। सरयू राय के भतीजे ने थामा जदयू का हाथ। झारखंड में रघुवर दास को हराने वाले सरयू राय के भतीजे ने जदयू का दामन थाम लिया है, जिसके बाद उन्हें बीते दिन संतोष रॉय को यानी कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने जदयू की सदस्यता दिलवाई है। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश महासचिव नवीन आर्य और पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह भी मौजूद रहे थे। आपको बता दें, संतोष राय को जदयू में शामिल कराने पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि संतोष राय के शामिल होने से पार्टी मजबूत होगी। सरयू राय को भाजपा विरोधी माना जाता है, लेकिन इस सवाल पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने सफाई दी है। वहीं संतोष राय ने कहा है कि नीतीश कुमार के प्रति आस्था ही उन्हें जदयू के नजदीक खींच रही है। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। यह पटना का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित है। काफी संख्या में लोग यहां पिकनिक मनाने आते हैं। इसकी स्थापना 1969 में वनस्पति उद्यान के रूप में हुई थी। वहीं 1973 में इसे जनता के लिए खोला गया था। इस पार्क में आपको 300 से भी अधिक पौधे की प्रजातियां देखने को मिलेंगी। यहां विभिन्न प्रकार के पक्षियों, मछलियों, जानवरों और सर्पों की अनेक प्रजातियां देखने को मिलेगी। यह बेली रोड में स्थित है। अब इस जमीन के मालिक होंगे भगवान। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने यह फैसला लिया है कि मंदिर, मठ या धार्मिक न्यास इत्यादि की जमीन का मालिक अब कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वहां पर स्थापित देवता, मठ या मंदिर होंगे। परिषद ने यह फैसला धार्मिक स्थलों की जमीन की सुरक्षा के उद्देश्य से लिया है। दरअसल कई धार्मिक स्थलों की जमीन का विवाद अदालत और संबंधित सरकारी दफ्तरों में पहुंचता है, तो इसका फायदा उठाकर भूमि की खरीद बिक्री तक कर ली जाती है। इसे देखते हुए न्यास बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि जमाबंदी रैयत के रूप में मंदिर की जमीन वहां स्थापित देवता, मठ या मंदिर के ही नाम पर होगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। भारतीय स्टील कंपनी टाटा एंग्लो डच इस्पात कंपनी कोरेस के अधिग्रहण के बाद 2007 में विश्व की पांचवी बड़ी कंपनी आज के दिन बनी थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 31 जनवरी साल 2008 को यूपी को 5 साल के अंदर बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6,168 करोड़ रुपए की विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज के दिन किया था। अभिनेता राजेश विवेक का 31 जनवरी 1949 को जन्म हुआ था। भारतीय अभिनेत्री प्रीति जिंटा का 1975 में आज के दिन जन्म हुआ था। अभिनेत्री अमृता अरोड़ा का 31 जनवरी 1981 को जन्म हुआ था। 1961 में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह ने आखिरी सांस ली थी। किसान आंदोलन के पक्ष में बनी विपक्षी दलों की मानव श्रृंखला। किसानों द्वारा आहूत नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के समर्थन में कई विपक्षी पार्टी शुरू से बनी है। वहीं बिहार में तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन ने मानव श्रृंखला बनाकर किसानों का समर्थन किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना के बुद्धा स्मृति पार्क के पास मानव श्रृंखला में शामिल हुए थे। तेजस्वी यादव ने इस दौरान कहा कि महागठबंधन के लोग किसानों के संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं। इस काले कानून की वापसी तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। 5 साल के मात्र 10% बिहारी बच्चों का बना है आधार कार्ड। राज्य में 5 साल तक की उम्र वाले सिर्फ 10% बच्चे ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड बन चुके हैं। आधार के संबंध में एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार बिहार में 5 साल की उम्र वाले 90% बच्चों के आधार कार्ड नहीं बनवाए गए हैं। सूबे के सभी जिले इस मामले में पीछे हैं। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 5 साल तक की उम्र के 1,53,46,858 बच्चों में से 1,38,03,196 बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना है। मात्र 15,43,662 बच्चों का ही आधार कार्ड बन पाया है। इन सभी जिलों में कटिहार के बच्चों के आधार कार्ड बनवाने में पहले स्थान पर है। वहीं नवादा जिला इस मामले में सबसे अंतिम पायदान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी पटना भी 5 की उम्र के बच्चों के आधार पर कार्ड बनाने के मामले में फेल साबित हुई है। जदयू एमएलसी ने तेजस्वी की मानव श्रृंखला पर लगाए गंभीर आरोप। महागठबंधन के किसानों के समर्थन में बनाए गए मानव श्रृंखला पर जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान गरीब किसानों को नौकरी के नाम पर गुमराह कर उनकी जमीन खुद के नाम लिखवाई है, वो लोग आज किसानों के हित की झूठी बात कह रहे हैं, दिखावे के लिए मानव श्रृंखला बना रहे हैं। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव ने किसानों की संपत्ति को फर्जीवाड़े के तहत अर्जित किया है और आज राजनीतिक मुद्दों पर मानव श्रृंखला बनाने का नाटक कर रहे हैं। आपको बता दें कि से पहले सीएम नीतीश कुमार और भाजपा सांसद सुशील मोदी सहित एनडीए के कई नेताओं ने श्रृंखला बनाए जाने के बाद पर तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया था। 1 अप्रैल 2021 से नहीं बनेंगे ऑफलाइन दिव्यांगता पत्र। राज्य में दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने की नई व्यवस्था लागू की जा रही है। नई व्यवस्था में अब 1 अप्रैल 2021 से कोई भी नया या डुप्लीकेट दिव्यांगता प्रमाण पत्र ऑफलाइन नहीं बनाया जाएगा, प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही बनेंगे। इसके साथ ही पुराने दिव्यांगता प्रमाण पत्रों का भी ऑनलाइन सत्यापन कर उन्हें
यूडीआईडी कार्ड दिए जाने को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। नए नियम लागू होने के बाद से केवल ऑनलाइन रूप से सत्यापित प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। इसे लेकर आगामी 28 फरवरी तक सभी जिलों के सिविल सर्जन, बुनियादी केंद्र के प्रबंधक और सभी बीडीओ को विशेष शिविर चलाकर दिव्यांगता प्रमाण पत्र के ऑनलाइन सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया है। सभी दिव्यांगों को यूडीआईडी कार्ड देने का भी लक्ष्य रखा गया है। SBI के कटे फटे नोट नहीं लेने को RBI ने बताया गंभीर मामला। बिहार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं अपने खाताधारकों से गंदे और कटे फटे नोट को जमा नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, यहां नोट बदले भी नहीं जा रहे हैं, जिस कारण आम खाताधारक से लेकर बड़े कारोबारियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इससे जुड़ा मामला राजधानी पटना के बेली रोड स्थित ब्रांच में देखने को मिला। यहां स्टेट बैंक की BSEB ब्रांच और श्रम नियोजन शाखा के कर्मचारियों ने जरा से फटे नोट और नोट में गुलाबी रंग होने की वजह से इन्हें जमा नहीं किया। बैंक ने रिजर्व बैंक का हवाला देते हुए नोट को अस्वीकार कर दिया था। वहीं इस मामले में रिजर्व बैंक के अधिकारियों का कहना है कि कोई भी बैंक कटे फटे और हल्के गंदे नोट को लेने से मना नहीं कर सकता है। नोट के नंबर सही होने चाहिए। IPL के ऑक्शन में 5 महंगे खिलाड़ियों के नाम का आकाश चोपड़ा ने किया खुलासा। पिछले साल IPL का आयोजन UAE में हुआ था, हालांकि इस साल इसका आयोजन भारत में ही होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं जल्द ही ऑक्शन भी आयोजित होने वाला है। हालांकि ऑक्शन से पहले ही भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी आकाश चोपड़ा ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने IPL के ऑक्शन में बिकने वाले 5 सबसे महंगे खिलाड़ियों का नाम बताया है। जिसके तहत आकाश ने स्टार्क को इस साल IPL ऑक्शन में 15 से 19 करोड़ में, दूसरे नाम पर ऑस्ट्रेलिया के ही ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल पर दाव लगाया है। इसके साथ ही तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में इंग्लैंड के डेविड मिलान, वहीं चौथे और पांचवें खिलाड़ी के रूप में अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान और बांग्लादेश के शाकिब अल हसन का नाम दिया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रीति कुमारी ऑफिशियल, साहिल कुमार, साबिया खातून, रूपक कुमार, गुड्डन एंटरटेनर, रवीश कुमार यादव, कुमार पाल चंदन ऑफिशियल, सनी जी, मिंटू कुमार, साहिल कुमार, संजीव बिहारी, मोहम्मद सलीम, गजेंद्र सिंह, मंडान यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कृषि कानून के विरोध में बनाया गया मानव श्रृंखला सफल साबित हुआ या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।